सबसे पहले पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनकी पुण्य स्मृति को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। स्वतंत्रता संग्राम में बापू के मार्ग पर चलने वाले सभी महान महिलाओं तथा पुरुषों के त्याग एवं बलिदान को आज शहीद दिवस के अवसर पर मैं सत प्रणाम करता हूँ। आयोजन समिति और वर्मा जी के प्रति विशेष रूप से मैं आभारी हूँ। लंबे समय से, जैसा भी उन्होंने बताया कि सन 1990 से ये अनवरत ये कार्यक्रम हो रहा है, मुझे लगता है कि बापू का संपूर्ण जीवन केवल भारतीय समाज के लिए नहीं, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के लिए समस्याओं के समाधान का सबसे प्रमुख रास्ता हम मानते हैं। सत्य, अहिंसा, निष्काम सेवा, त्याग, प्रेम, सहिष्णुता, ये ऐसे सर्वोत्तम उदाहरण हैं जिनमें हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। और इसलिए अक्सर मैं इस बात को दोहराता हूँ कि मानवता के स्वर्णिम भविष्य का रास्ता अगर कहीं भी बन सकता है तो बापू के आदर्शों से ही बन सकता है। ये सच है कि 21वीं सदी में सामाजिक समरसता और आर्थिक समृद्धि दोनों बापू के दिखाए मार्ग पर चलकर प्राप्त की जा सकती है। आज मानव समाज जिस प्रकार वैश्विक उथल पुथल से गुजर रहा है, जिस तरह का सामना कर रहा है, आपसी टकराव की चुनौतियां जिस तरह से प्रबल होती जा रही, इसमें आज आवश्यकता ये प्रबल रूप से महसूस की जा रही है कि वैश्विक समाज के सभी देश एक परिवार की तरह साधनों की पवित्रता के बारे में सोचें। बापू के जीवन कर्म और सेवा भावना को आधार बनाकर शांति और आपसी सौहार्द को बढ़ावा दें। मुझे इस बात में रत्ती भर संदेह नहीं है कि विश्व को आज स्वार्थ और संकीर्णता को समाप्त करने, विशाल हृदय और उदार चित्त द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो बापू के रास्ते पर चलना होगा। 16 मार्च 1947 को बापू ने हरिजन के एक अंक में लिखा था, जिस प्रकार एक पेड़ पर लाखों पत्तियां होती हैं उसी प्रकार ईश्वर एक है और धर्म अनेक है। बापू का स्पष्ट मत था कि मानव गरिमा की रक्षा, समानता, सामाजिक न्याय, सर्वधर्म संभाव, वंचित वर्गों का कल्याण, महिलाओं तथा युवाओं के अधिकार, इन सभी मौलिक हितों को संरक्षित रखना, एकता की भावना से काम करना किसी भी राष्ट्र के लिए परम आवश्यक है। मुझे लगता है कि जब दक्षिण अफ्रीका से बापू आए, आप में से अनेक लोगों को मालूम होगा, वहाँ भी उन्होंने एक विद्यालय की स्थापना की थी, स्वयं उस विद्यालय को देखते थे। वापस आने के बाद चंपारण जाने के पहले जो उनका सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ वो वाराणसी में हुआ, वहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बसंत पंचमी के दिन करना चाहते थे। वहाँ लोग बताते हैं कि मुगल सराय रेलवे स्टेशन से जब बापू पैदल चले काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना स्थल पर, उस समय शायद इतने संसाधन नहीं रहे होंगे, जिस तरह का अपार जनसमूह बापू के साथ स्थापना स्थल पर पहुंचा, वो अद्भुत दृश्य था, ऐसा लोग बताते हैं। यह आने के बाद कई लोगों को भ्रांति है, कई लोग कहते हैं कि जो काम उन्होंने महिला शिक्षा के लिए किया, विश्वविद्यालय गुजरात में स्थापित किया, आज भी वो पूर्णतः विश्वविद्यालय के नाते चल रहा है, और उस समय वर्धा में महिलाओं के लिए पॉलिटेक्निक 1916 में, कल्पना करिए, और देश के प्रख्यात वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस जैसे लोग
उसके प्रबंध तंत्र से जुड़े हुए थे। तो जो सोच थी बापू की, मैं समझता हूँ कि आज आवश्यक है, और ख़ास तौर से जम्मू कश्मीर में तो विशेष रूप से आवश्यक है। पिछले वर्ष जब यहाँ कार्यक्रम हो रहा था तो मैंने कहा था कि सामान्य तौर पर गांधी जयंती का कार्यक्रम यहाँ रस्मि तौर पर होता था। गत वर्ष हम लोगों ने फैसला किया कि 5 सितंबर शिक्षक दिवस, राधा कृष्णन जी के जन्मतिथि के तत्काल पश्चात पूरे महीने भर हम गांधी जयंती का कार्यक्रम करेंगे। मुझे प्रसन्नता है और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वर्ष भी गांधी जयंती में हम सब मिलकर के काम करें, एक साथ काम करें। और मुझे लगता है कि तभी जम्मू कश्मीर को प्रगति के रास्ते पर हम आगे ले जा सकेंगे। युवा पीढ़ी को आज भी ये बताया जाता है कि गांधी जिस प्रकार समर्पित थे शांति और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए, ये हमारे लक्ष्यों में भी सबसे ऊपर होना चाहिए। विश्व में अनेक ऐसे व्यक्तित्व हैं, सामाजिक परिवर्तन के तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें बापू ने प्रभावित किया है। बापू अक्सर कहते थे कि व्यक्ति की समस्त विद्वता और ज्ञान ये दोनों निरर्थक है यदि चरित्र का निर्माण एवं विचारों में सामंजस्य स्थापित वो नहीं कर पाता है। मुझे विश्वास है कि जब जब विश्व को टुकड़ों में देखा जाएगा, जब भी निराशा का दौर आएगा, तो निश्चित रूप से प्रकाश की किरण बापू के जीवन मूल्यों से ही मिलेगी। हमें जीवन को समग्र रूप में देखने को बापू सदैव प्रेरित करेंगे। आज उनकी स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में बापू का दर्शन ही सामयिक है और उन्हीं के मार्ग पर चलकर हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी पीढ़ियों के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, विश्व में सौहार्द स्थापित कर सकते हैं और पूरी मानवता का कल्याण भी कर सकते हैं। मेरा दूसरा आग्रह होगा कि बापू ने जिस प्रकार से नारी शक्ति को सामाजिक विकास और सामाजिक सुधार का आधार बनाया था, उसी तरह आज समाज के सभी वर्ग एवं सभी क्षेत्रों को मिलकर के, खासतौर से हमारी बहनों माताओं के समृद्धि, उनके सशक्तिकरण, उनके विकास के लिए मिलकर के हमें प्रयास करना होगा। मुझे स्मरण है यंग इंडिया के 17 अगस्त 1920 के अंक में बापू ने एक लेख लिखा, स्त्रियों के अधिकारों के सवाल पर उन्होंने किसी तरह का समझौता कभी स्वीकार नहीं किया और उन पर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए, ये बापू कहते हैं, जो पुरुषों पर न लगाया जाए। अगर हम बापू के संदेशों को गहराई से देखें, समझें, तो समाज का आह्वान बापू कर रहे हैं कि जितनी तेजी से अन्य क्षेत्रों में प्रगति हो रही है, उतनी ही तेजी से महिलाओं के जीवन में भी प्रगति और विकास होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में हम सब भी प्रयास कर रहे हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जिस भी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में, कन्वोकेशन में गया हूँ, ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 75% गोल्ड मेडल आज हमारी बच्चियाँ ले रही। सामान्य परिवार से निकली हुई हमारी बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से जिस तरह से जम्मू कश्मीर के विकास में, आर्थिक विकास में योगदान कर रही हैं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आने वाले दिनों में और बेहतर जम्मू कश्मीर बनाने में हमारी बहनों का योगदान भी श्रेष्ठ होगा। आज़ादी के अमृत कालखंड के हर क्षण में हमें याद रखना होगा कि समानता, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के बिना हम आज़ादी के असली मूल्यों को नहीं समझ सकते। महात्मा पुस्तक में बापू का एक संदेश है जिसमें उन्होंने कहा कि नारी को सबल कहना अपमानजनक है, यह पुरुषों का नारी के प्रति अन्याय है,
इसलिए आज मेरा आग्रह होगा आप सबसे कि नारी शिक्षा, उसके रोजगार के समान अवसर, निरंतर आर्थिक तथा अन्य प्रकार से उनके विकास के रास्ते, अधिक से अधिक उन्हें सक्षम बनाने में आज आवश्यकता है कि हम सब पूरा समाज मिलकर के काम करें। ये हम सबका दायित्व है। व्यवहारिक जीवन में महिला पुरुष असमानता को समाप्त करना, मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर का पुनर्निर्माण इस रास्ते हो सकता है। भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के संकल्प को सिद्ध करने के लिए हम सब मिलकर के काम करें। समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि संकल्प से जुड़े। अंत में मैं पूज्य बापू को पुनः स्मरण करूंगा, उनकी पुण्य स्मृति को प्रणाम करूंगा। एक बड़ी चुनौती आज ड्रग एडिक्शन की हमारे समाज में आई, ये बड़ी समस्या बनकर के उभरा। हम शायद कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, ये सोची समझी साजिश के तहत हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र है। और जम्मू कश्मीर में भी एक बड़ी आबादी इस लत का शिकार हो गई, और केवल ये नशे के आदि नहीं बना रहे, आतंकवाद का एक दूसरा चेहरा भी नार्को टेररिज्म के माध्यम से जम्मू कश्मीर देख रहा है। प्रशासन, पुलिस, चुने हुए प्रतिनिधि योजना बना रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जन आंदोलन अगर बनेगा तभी जम्मू कश्मीर से इस समस्या को हम दूर कर सकेंगे, जम्मू कश्मीर को निजात दिला सकेंगे। और इसलिए आज मुझे लगता है कि हम सब बापू को साक्षी मानकर ये भी संकल्प लें कि जम्मू कश्मीर को इस दलदल से निकालने में हम सब अपना अपना योगदान करेंगे। मुझे लगता है कि आज ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी अगर जम्मू कश्मीर को नशे से मुक्त करा करके एक अच्छा जम्मू कश्मीर हम बना सकें। इतनी बात कहता हुआ मैं आयोजकों को फिर से एक बार हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, कह के ख़त्म करूँगा। बापू जब पढ़ने गए, पता नहीं आप में से कितने लोगों को मालूम है, बापू बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे। डिग्री के हिसाब से बहुत लोग जानते हैं कि उनके पास लॉ की डिग्री थी, लेकिन ये हकीकत नहीं है। उनको प्रैक्टिसिंग लॉयर का सर्टिफिकेट मिला था, लेकिन उसका दूसरा पक्ष देखिए कि जिस तरह से उन्होंने जीवन भर अपने आचरण से देश और दुनिया को प्रभावित किया। मैं आज एक बात आपको कहना चाहता हूं कि आज दुनिया में हर वर्ष जितनी पुस्तकें बापू पर लिखी जाती हैं किसी दूसरे व्यक्ति पर नहीं लिखी जाती हैं। ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। मैं अपन आज पुनः बापू को श्रद्धांजलि देते हुए और आप सबसे निवेदन करते हुए कि आइए मिलकर के बापू के सपनों का भारत कैसे बने, हमारा इसमें क्या योगदान हो सकता है, हम सब भी अपनी भूमिका तय करें और जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने में जो भी हम योगदान दे सकते हैं वो निश्चित रूप से दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बापू।